अबू के साथ फ़िशिंग करने जाती थी, तो पहलगाम जाते थे हम फिशिंग करने, तो मुझे वहाँ पे आइडिया आया थ्रोट को देख के। वहाँ पे गोल्डन थ्रोट होती है जो हम पकड़ने फिशिंग करने जाते थे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा अबू को बताया मैंने कि मुझे इंटरेस्ट है कि मैं मछलियों में करूँ। ये बच्ची ने हमें पूरा ये बता दिया कि पापा हमने ये जो रास कल्चर देखा, हम ये रास कल्चर डालना चाहते हैं, हम पढ़ती भी हैं और इसमें थोड़ा हमें ये सहायता चाहिए आपकी, हम ये रास कल्चर डालना चाहते हैं। फिर हमने पूरा सपोर्ट किया अपनी बच्ची को, तो हमारी बच्ची ने इसमें हमने ये रास कल्चर यहाँ पर चालू किया है। यहाँ पे रैम्बो ट्रॉट बनता है, ये हिमालयन मछली है, ये कोल्ड वाटर फिश है, और जो हमारा फार्म है ये इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इसमें वाटर जो है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, इसमें जो है वाटर हमेशा बचता है, क्योंकि ये वापस रिसाइकल फिल्टर होके वापस मछलियों में ही यूज़ होता है। जो एलजी गवर्नमेंट है मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे। वो यहाँ आए, मछलियाँ देखी, अच्छे से मतलब मुझे एनकरेज किया, मुझे मोटिवेशन दी, मैं बहुत खुश हूँ। हम एलजी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसमें हमारा यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट होना चाहिए, जिससे कि हमारा ये मछली बाहर जाए। जैसे हमारा यहाँ फ्रूट जाता है, एप्पल जाता है, वेजिटेबल जाता है, और ऐसे हमारी मछली हर स्टेट में जाए। ये बड़ी फ़ख्र की बात है कि एक लड़की ने ऐसा यूनिट खड़ा कर दिया। इसको सपोर्ट, वाकई इसको बाप ने, माँ ने, घर वालों ने, सब ने सपोर्ट किया है, फुली सपोर्ट। और इसको एलजी गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, इसको डायरेक्ट फिशरीज डिपार्टमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। गवर्नमेंट में इतनी स्कीम है कि आम लोग उन तक ये पहुँचती नहीं। डिपार्टमेंट्स को, एलजी साहब को, कि कुछ ऐसा मीडिया होना चाहिए कि हर एक बच्चे तक ये बात पहुँचे कि गवर्नमेंट क्या क्या स्कीमें दे रहा है।